problem here. The digit in the tens place of a two-digit number is 3 times that in the units place. If the digits are reversed, the new number will be 36 less than the original number. Find the original number. Yani, कोई दो डिजिट का नंबर है जिसमें टेंस डिजिट यूनिट्स डिजिट से तीन गुना यानी 3 टाइम्स बड़ा है और अगर हम उस नंबर को रिवर्स कर दें उल्टा कर दें तो जो नया नंबर बनेगा वो ओरिजिनल नंबर से 36 कम होगा. तो हम पता करते हैं, लेट द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस बी एक्स. मान लेते हैं कि जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगी वो हम x मान लेते हैं. Then the digit in the tens place, यानी tens place पे जो digit होगी उसको हम 3x मानेंगे क्योंकि यहाँ लिखा है कि वो 3 times बड़ा है तो हम उसको 3x मान लेंगे. Then the digit in the tens place. तो हमारा ओरिजिनल नंबर जो होगा वो बनेगा 10 टाइम्स 3x प्लस x. यहाँ पर हम 10 को 3x से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3x जो है वो टेंस प्लेस पर है और x जो है वो वन्स प्लेस पर यानी यूनिट्स प्लेस पर. तो 3 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x प्लस x हो जाएगा, दैट इज 31x. अब हम जब डिजिट को रिवर्स करेंगे, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट तो हमारा नया जो नंबर बनेगा, रिवर्सिंग द डिजिट्स मींस जो टेंस प्लेस पर है वो वन्स प्लेस पर चला जाएगा यानी यूनिट्स प्लेस पर और जो यूनिट्स प्लेस पर होगा वो टेंस प्लेस पर. यानी जो हमारा नया नंबर बनेगा वो होगा 10 टाइम्स x प्लस 3x. टेन टाइम्स x होगा प्लस 3x. अब 10 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 10x प्लस 3x जिसका सम होगा 13x. अब जो ओरिजिनल नंबर है वो नए नंबर से 36 ज़्यादा है तो हम 36 को ओरिजिनल नंबर से माइनस कर देंगे ताकि वो न्यू नंबर के बराबर आ जाए. सो ओरिजिनल नंबर माइनस 36 इज इक्वल टू न्यू नंबर. सो ओरिजिनल नंबर था हमारा 31x माइनस 36 इक्वल टू 13x. अब हम x को लेफ्ट हैंड साइड्स में ले लेंगे, 31x माइनस 13x इक्वल्स टू 36. अब 31 को 13 से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18x इक्वल्स टू 36 और x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगा 2. तो हमारे यूनिट डिजिट जिसको हमने x माना था वो हो जाएगा 2 for unit digit is equal to, जो कि x था हमारा 2 हो गया and tens digit जो हमने 3x माना था उसको हम x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हो जाएगा 6. तो हमारा ओरिजिनल नंबर जो होगा 62. The original number is 62. Thank you.